दोस्तों, स्वागत है आपका एस एस नॉट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020 के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड भर्ती पिछले समय ही लंबे समय तक अभी भर्ती आई और लॉकडाउन के कारण ये भर्ती तो स्थगित हो गई। लेकिन तो दोस्तों, अभी इस भर्ती के लिए तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से संबंधित एक नोटिफिकेशन आया, जो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ओके दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2500 पदों पर होने वाली है। तो दोस्तों, इसके बारे में तो पूरा मेरे पास तो ऑफिशियल ये तो प्रेस नोट या नोटिफिकेशन आया, मैं आपको पढ़ के पूरी डिटेल साथ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसके अंदर बताएं, राजस्थान गृह रक्षा तो अधिनियम 1963 है, उसके तो अधिअधीन पारित नियमों के नीत प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान तो गृह रक्षा होमगार्ड के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों, उप केंद्रों, सीमा गृह रक्षा दल की बटालियन की विभिन्न कंपनियों में होमगार्ड स्वयं सेवकों के 2500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञप्ति 4 मार्च 2020 को जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात कोरोना COVID-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गई। महानिदेशक होमगार्ड राजीव दासोस ने बताया कि वर्तमान में लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान किए जाने के परीक्षा नामांकन के लिए आवेदन पत्र अब दिनांक 10/6/2020 से दिनांक 9/7/2020 12:00 तक ऑनलाइन भरे जा सकते, यानी कि 10 तारीख से 9 जुलाई 2020 12:00 तक ऑनलाइन आवेदन तो भर जा सकते हैं। तो आवेदकों को सलाह दी जाती है, अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। नामांकन है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। राजस्थान तो गृह रक्षा नियम 1962 के अनुसार आवेदक की आयु 1/4/2020 को 18 वर्ष से कम है और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी होकर भर्ती केंद्र, उपकेंद्र, संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तहसील में गत 3 वर्षों से लगातार निवास करने वाला होना चाहिए। महानिदेशक होमगार्ड राजस्थान श्री राजीव दाथोस ने बताया कि नामांकन के समय सरणों या पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक मापतोल प्रशिक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा विशेष योग्यता का विवरण विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया में राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण लागू रहेगा। समस्त अभ्यर्थियों सलाह दी जाती है वे आवेदन पत्र बनने से पूर्व विभागीय व्यक्ति का भलीभांति अध्ययन कर सकते थे। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।